خوفیانه شعر ہے بار پس کا لازو لاکھ پوشیدہ صحیح تو میری نظروں سے مگر لاکھ پوشیدہ لاکھ پوشیدہ لاکھ پوشیدہ لاکھ پوشیدہ صحیح تو میری نظروں سے مگر پوشیدہ لاکھ پوشیدہ صحیح تو میری نظروں سے مگر پوشیدہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں چھپا ہوا لاکھ پوشیدہ صحیح تو میری نظروں سے مگر میرا ہونا تیرے ہونے کا پتا دیتا حالات ہے آپ کی ملازم فرمائے شمی بھائی تم سے تو راہ بروں نیل کا پتھر اچھا تم سے تو سنگ ہونے پہ بھی منزل کا پتا دیتا سنگ ہونے پہ بھی منزل کا پتا دیتا راج صاحب کا شعر ہے آج کے حالات میں تیرے خلوص نے رکھا مجھے اندھیرے میں ملال فرمائے نئی بات ہے تیرے خلوص نے رکھا مجھے اندھیرے میں تیرا فریب مجھے روشنی میں لے آیا سنگ ہونے پتا دیتا اجنبی
इश्क जालिम है बड़ा इसकी ना पूछो आरिफ इश्क जालिम थैंक यू। तो हम ही जाएंगे कि रोशनी आपकी तरह बहुत आके मुखातिबा हो ये मालूम हो रहा है अंधेरे में क्यों छोड़े जा रहे हैं। चलिए मुख्तलिफ शोरा है वो मजमुए कलाम है भी आएंगे मौसम चलिए चलिए हवा मौसम भी आप फरमाई दरबारी की चलिए पहले मैं हवा हूं। इस हवा में हमने कोशिश की है कि षड्ज पे अगर आप गाएं तो ये मध्यम भैरवी है लेकिन मध्यम को अगर आप षड्ज करार कर देते हैं तो ये दरबारी है। इसको 1978 में सबसे पहले हमने अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ की फजाओं में कंपोजिशन की थी और ये गजल हमारी पहचान बनी और इसको पसंद जिन्होंने किया उनमें हमारी दीदी लता मंगेशकर जी दिलीप कुमार साहब मेहंदी हसन साहब गुलाम अली भाई। एक बार आप सब लोग बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शमी भाई आगे तशरीफ ले आए। आपको अल्पाज साफ सुनाई दे रहे हैं कुछ ज्यादा तो नहीं है।
वसीम बरेली फरमाते हैं, हाँ एक बार मिला लो बेटे, वसीम बरेली फरमाते हैं, खुद को खत्म करके एक मैं खुद को करके एक मैं मुस्कुराता है और पीता है जैसे हिंदुस्तान का फल का जैसे हिंदुस्तान का पन का अपने मरने के बाद जीता है हिचकियां लेके न रो कब्र पे रोने वाले हिचकियां लेके न रो कब्र पे रोने वाले जाग जाए कहीं चैन से सोने वाले शुक्रिया मैं तो हवा हूँ मुझ पे क्या पैर लगाओगे मैं तो हवा हूँ मुझ पे क्या पहरे लगाओगे महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे मैं हवा हूँ वतन Yeah.
देखिए मुशावत, लिप्स को अगर आप मिला के देखें तो फूल की पत्ती का शेप बनता है, बर्ग माने पत्ता, बर्ग गुल पर शराब सा बर्ग गुल पर शराब सा क्या है, बर्ग गुल पर शराब सा सेल्फिश, मकान मकानी होता है, मकान में रहने वाला मक्खी, कितने खुदगर्ज हैं ये ऊंच मकानों की मक्खी, कितने खुदगर्ज हैं ये ऊंच मकानों की मक्खी, अहले फुटपाथ का
सूरज भी छिपा लेते हैं। मेरी मैया बड़ा नाजुक शेर है अशोक भाई ने। एक नाजनी की मैयत, हाँ शम्मी भाई, एक नाजनी की मैयत और दुश्मनों के कांधे, एक नाजनी की मैयत और दुश्मनों के कांधे, कांटों पे जा रहा है एक फूल का जनाजा। मेरी मैयत कोई रोया है इसलिए जल गया कफन मेरा, इसलिए जल गया कफन मेरा। बिगाड़ पाया कोई कुछ मेरा ना जीते जी, मैं जब मरा भी तो दो चार पर सवार रहा। क्या बिगाड़े अंजुमन मेरा, जियो बुला रहे हो, क्या जान लिख गया मैं उन्हें इस तराब में घबराहट में, क्या जान लिख गया मैं उन्हें इस तराब में, कातिल की लाश आई है खत के जवाब में। क्या बिगाड़ेगी अंजुमन मेरा, दस्त मेरा ये चमन मेरा, मैं हूँ का वतन मेरा।
شکریہ. موسم آئیں گے جائیں گے آپ کے گھر میں. نہیں خیر چلے گا, لائٹنگ کی بات چلے. یہ بدن, یہ شمی بھائی جو کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا یہ بدن پھول, یہ بدن پھول ہے نا, رنگت ہے, دیکھنے والے دیکھنے والا خوبصورت ہے. اصل میں بدن بڑی خوبصورت ہے, وہ تو ایسے ہی معلوم کرنے آئے تھے کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ جو سورج ہیں چار چار نکلے ہوئے ہیں. نہیں ابھی تو یہ معلوم, کون کہتا ہے بزرگ عشق نہیں کرتے, کون کہتا ہے بزرگ عشق نہیں کرتے, پر کتنا ہے کہ لوگ ان پر شک نہیں کرتے. تین موسم والی ہنسی صاحب نے باندھے ہیں راگوں کی شیڈ سے, ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے